आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ गाइस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को बढ़ा के नहीं देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने छोटे से किचन में मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और देख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा किचन है मेरा। बट मैंने इसे अपने कुछ ऐसे ज़रूरी के सामान लगा के मैंने थोड़ा सा इस किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने का कोशिश की हूँ। आई होप कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आए। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ से मेरा एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी थोड़ा पेंट वेंट हुआ है, मैंने साफ़ करने की कोशिश की है बट अच्छे से नहीं हुआ। तो नीचे आपको पता है कि मैंने डोर बनवाया और डोर लाइक बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीका वाला डोर नहीं है, ऐसे सिंपल वाला डोर है। और दो डोर मैंने बनवाया है, एक में सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर आलू प्याज रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं। एनीवे गाइस, तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरा किचन का काउंटर टॉप। यहाँ पे मैंने इंडक्शन लगाया है, यहाँ पर मेरी चाय पत्ती और चाय का जो भी है, चाय पत्ती चीनी वो मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे मेरा गैस है, गैस स्टॉप को मैंने पाइप के थ्रू थोड़ा सा ऊँचा कर दिया बिकॉज थोड़ा सा स्पेस। और यहाँ पे देखिए काउंटर के ठीक इस साइड पे यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मनी प्लांट है जिसको मैंने बॉटल को पेंट करके DIY करके मैं खुद से बनाई हूँ। तो यहाँ पे मेरा बॉटल जिसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ, पीती हूँ। और यहाँ पे बाबू का बॉटल है जो मॉर्निंग में बाबू उसमें पीता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे कॉफ़ी रखे हुए हैं, ये अलग अलग टाइप का कॉफ़ी है, नेस्कैफे है और इसका मैंने रिव्यू किया था कॉफ़ी का। तो ये कॉफ़ी मेरा है यहाँ पर और देख सकते हैं ये साइड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने किचन में न्यू क्या करवाया है, मैंने टाइल्स लगवाया है। और ये देख सकते हैं ये मैंने टाइल्स लगवाया है इस तरीके से किचन की चारों तरफ और सिंक के यहाँ से डिफरेंट तरीका से। और यहाँ पे ठीक काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पे ये छोटा सा रैक है जिसपे मैंने ऊपर में लाइक देख सकते हैं यहाँ पे जीरा है जो थोड़ी सी बची हुई है, उधर काजू है उस साइड, उसके बाद ये है पचफोरन और यहाँ बादाम। यहाँ पे एज यूजल जो यूज़ का चीज़ें हमारे डेली वेज का वो यहाँ पर है। और इस तरीके से बाबू का जैम है, मेरा हनी है और हनी मीन्स मैं जो यूज़ करती हूँ कस्तूरी मेथी और एवरीथिंग जो भी किचन का सामान होता है यूजेस का वो यहाँ रखा। और ठीक इस साइड काउंटर टॉप के देख सकते हैं, काउंटर टॉप के ठीक इस साइड पर मेरा माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने रखा है अपनी मसलदानी, जो मेरा मसाला है वो मसलदानी। फिर वहाँ पर एक चॉकलेट बॉक्स और ड्राई फ्रूट है। ऊपर में जो आटा जो गूंथते हैं और आटा रोटी बनाते हैं तो इसका ये वाला बर्तन है। यहाँ बाबू का बॉर्नविटा है। और ऊपर में ज़्यादा जो ऊपर जाइएगा तो ऊपर में दाल का डब्बा रखा हुआ है और बड़ा वाला घी का डब्बा रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने छोटे से किचन को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसमें मैंने जो भी है चम्मच मैं इसमें डालती हूँ, जो भी फॉर्क चम्मच हो या फिर जो भी बाबू को यूज़ का हो वो। और यहाँ पे जो हम लोग चॉपर काटते हैं सब्जी उसके लिए है। यहाँ पे मैंने बेलन रखा है, यहाँ पे दल घोटना हम लोग बोलते हैं, दाल घोटने वाला दल घोटना, हमारे गांव साइड बिहार साइड दल घोटना कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो भी एसेसरीज है, टूल्स, किचन टूल्स, नाइफ, छन्नी, नींबू वाला तो वो सब है। उसके बाद मैंने वास डाला। आप देख सकते हैं कि मैं वीडियोज़ कितने 11 बजने वाला है, 10:45 हो रहा है जिसमें कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। जी हाँ, सिर्फ आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉटल रखा है जो मैं किचन में पानी वानी पीती हूँ कभी काल, या फिर इस एक्स्ट्रा बॉटल ऐसे करके मैं रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा तीनों मसाला कुटने वाला है जिसमें मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स कूटती हूँ, कभी कभी इसमें भी ड्राई फ्रूट में डाल देती हूँ। बट जो भी हो मुझे ये तीनों मैं रखी हूँ, काफ़ी मुझे पसंद है। और यहाँ पर मेरा घी वाला है जिसमें मैं घी डालती हूँ, ये मेरा मसाला वाला ग्राइंडर। फिर इस साइड आते हैं तो इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड मेरा बर्तन स्टैंड और ये लाइट का फोकस लग रहा है क्योंकि ऊपर लाइट है। ये देखिए इस साइड ठीक मेरा ये वाला सब कुछ रखा हुआ है। उसके बाद ऊपर में कुछ सामान था जो मैंने यूज़ किया था, उसके बाद ऐसे पैकेट रखा हुआ है, कल मैं अंदर डालूंगी। और यहाँ पर मेरा मिक्सर है और यहाँ पे बड़ा तिल का डब्बा है और बस यही छोटे सा किचन का। ये और ऐसे बहुत ज़्यादा ये डब्बे आटा का डब्बा है और ये बिस्किट जो भी मिक्सचर नमकीन रहता है वो है, और एक ये बैठने वाला है जैसे हम लोग बैठ बैठ के सब्जी काटते हैं उस तरीके से है। तो ये मेरा छोटा सा किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है गाइज़। उम्मीद करूँगी आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद थोड़ा सा भी अगर आया हो गाइज़ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप खुद टाइम देख लीजिए, मैं आपको लाइव टाइम दिखा रही हूँ कि अभी रात के अंधेरा देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो चुका है और रात के मतलब 11 बजने वाला है। मैं इस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ। आप कहेंगे कि मैं किचन में घड़ी क्यों रखी हूँ, किचन में घड़ी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हस्बैंड का जॉब है तो उस हिसाब से मुझे ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बना के उनको देना पड़ता है, तो इस वजह से किचन में मेरे घड़ी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले छोटा वाला घड़ी था वो ख़राब हो गया तो ये मेरे रूम में था तो मैंने रूम से यहाँ रख लिया बिकॉज रूम में ऑलरेडी घड़ी बहुत सारा है, तो मुझे लगा कि एक घड़ी मेरे किचन में ये रहना चाहिए क्योंकि छोटा वाला मेरा ख़राब हो गया। तो इस तरीके से मैंने किचन का ऑर्गेनाइजेशन किया है गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये पसंद आएगा, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। जल्दी लेके आऊंगी आप सबके लिए इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ सब। तब तक के लिए बाय बाय।